दोस्तों, एक लड़की कानपुर स्टेशन पर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। भीड़ बहुत सारी प्लेटफार्म पर होती है, तब तक वो गाड़ी आने वाली होती है जिसका नाम था जम्मू तवी। जम्मू तवी रुकती है, बहुत भीड़ होती है दिल्ली जाने के लिए, और ट्रेन पहले से ही खचाखच भरी हुई होती है। वो लड़की देखती है कि बहुत भीड़ है, लेकिन किसी प्रकार से वो ट्रेन के अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद और बोगी में देखती है कि कहीं पैर रखने तक कुछ जगह नहीं है, लेकिन वो एक जगह कोई चीज पकड़ करके खड़ी हो जाती है सीट का किनारा लेकर, लेकिन कुछ अस्वस्थ जैसी मालूम पड़ती है। तभी एक लड़का बैठा हुआ होता है जो फौज का जवान होता है, फौजी होता है। जब उस लड़की की तरफ देखता है तो देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए। तभी थोड़ी गुंजाइश करता है, कुछ खुद को दबाता है, कुछ और को, और वहाँ जगह बनाता है और कहता है, बहन जी अगर तुमको बुरा न लगे तो थोड़ा आपके लिए हम हेल्प कर रहे हैं, जगह है, मैं खड़ा हो जाऊँ, आप बैठ जाइए। वो लड़का खुद खड़ा हो जाता है और उसे बिठा लेता है। दोस्तों दोस्तों आगे क्या होता है इस कहानी में, एक बार इस कहानी को पूरा सुनिए। बड़ा ही रोमांट कहानी है कि आगे इनमें क्या होता है और ये क्या करते हैं दोनों। इस कहानी को सुनकर के आप भी समझेंगे कि फौजी लोग कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव, जो कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी और कहानी अवश्य पूरी सुनिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने, तब आपको ये कहानी का सार मालूम पड़ेगा दोस्तों क्या होता है। दोस्तों कानपुर की रहने वाली जिसका नाम था रीमा, वो लड़की पढ़ी लिखी थी दोस्तों। और जो लड़का फौजी था वो बिहार का रहने वाला था जिसका नाम था अरविंद। ये जम्मू ड्यूटी करता था, छुट्टी काट कर जम्मू जा रहा था। जो रीमा होती है इसका घर कानपुर में भी था और नोएडा दिल्ली में भी था, जहाँ माता पिता रहते थे। घर पे भी इसका आना जाना था, जहाँ भाभी और भाई रहते थे। इसके दो जगह मकान थे, लड़की आती जाती थी दोस्तों। तो वो लड़की जब प्लेटफार्म पर पहुंचती है, ट्रेन का इंतजार करती है, ट्रेन आती है और उसमें किसी न किसी प्रकार से वो घुस जाती है। बहुत सारी भीड़ होती है और कहीं खड़ी हो जाती है कि किनारा पकड़ करके, लेकिन धक्का मुक्की बहुत सारी हो रही थी। जम्मू तभी खचाखच भर के आती है। तभी उसी बोगी में एक आर्मी का जवान बैठा हुआ था, लड़का युवा लड़का था जिसकी उम्र लगभग 28-27 वर्ष होती है। लड़की की उम्र भी लगभग यही होती है, 25-26 वर्ष। लड़का उसकी तरफ देखता है, देखने के बाद कुछ रहम आता। कहते हैं कि फौजी खुद अपने जोखिम उठाते हैं, दूसरे को कभी क्षति नहीं पहुंचाते। तो लड़का की समझ में वही बात आती है और थोड़ी जगह करता है और खुद खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो इधर बैठ जाइए, मैं फिर बैठ जाऊंगा। वो लड़की उस जगह बैठ जाती है, लड़का खड़ा रहता है। उसके बाद में वो लड़की उसकी तरफ देखती है, लड़का बहुत स्मार्ट था, थोड़ी जगह करती है और कहती है, भाई साहब आप भी यहीं बैठ जाइए, अगर घर में जगह हो या ना हो, दिल में जगह होना चाहिए। तो वो लड़का भी बैठ जाता है। लड़का बैठने के बाद और थोड़ी देर तक तो मौन रहते हैं, फिर एक दूसरे को अपना अपना परिचय लेते हैं। लड़की पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। तभी लड़का कहता है कि मैं जम्मू में आर्मी में तैनात हूँ और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। तो लड़की पूछती है, तो लड़का पूछता है कि आप कहाँ जा रही हूँ। तो लड़की कहती है कि मैं दिल्ली नोएडा में, मेरा घर है, मैं वहाँ जा रही हूँ। कानपुर भी मेरा घर है, कानपुर से वहाँ जा रही हूँ, वहाँ रहती हूँ और वहाँ से यहाँ भी आ जाती हूँ। फिर लड़की पूछती है, आपके घर पर कौन रहते हैं, आप माता पिता हैं या नहीं हैं। तो लड़का कहता है कि माँ भी है, पिता है, भाई है, बहन है, बहन की शादी हो चुकी है और घर हमारा सकुशल है, मैं एक आर्मी में काम ड्यूटी करता हूँ। लड़का भी पूछ लेता है कि आपके घर पर कौन कौन रहते हैं। बोले माँ हैं, पिता हैं, वो दिल्ली रहते हैं, भाई और भाभी कानपुर रहते हैं, बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, वो लखनऊ में रहती है। एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते करते बहुत सारी बातें होती हैं, हंसी मजाक भी होने लगता है और इधर धीरे धीरे रात्रि का समय होने लगता है। तो शाम को लोग खाना खाते हैं, अपना अपना टिफिन खोलते हैं। लड़की अपना टिफिन खोलती है, वो लड़का अपना टिफिन खोलता है, लेकिन जो लड़की होती है अरविंद का टिफिन ले लेती है, अपना टिफिन उसे दे देती है।
एक दूसरे मिल बांट करके खाना खाते हैं, इनमें इतना प्यार मोहब्बत हो जाता है कि ऐसा मालूम पड़ता था कि सगे संबंधी हों, ऐसा मालूम पड़ता था। दोस्तों बातें करते हुए बहुत सारी बातें होती हैं, तब तक कोई बेचने वाला आता है, नमकीन वगैरह वो लेते हैं, एक दूसरे खाते हैं, चना बेचने वाला आता है वहां से, जो भी अच्छा लगता है। वहां तक दिल्ली का सफर बहुत अच्छा कटने लगा उनका दोस्तों। उसके बाद में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, और वो लड़की पूछती है क्या आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। वो लड़का कहता है कि अभी तो नहीं, शादी अगले समय है, शादी होने वाली है, लेकिन अभी नहीं, महीने 4 महीने लगेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, अभी विचार नहीं है दोस्तों। उसके बाद में लड़का भी पूछ लेता है कि आपकी शादी हो गई है, तभी वो चुप रह जाती है, बोले बताइए आपकी शादी। बोले शादी तो हुई है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका है, हम अलग रह रहे हैं, हमारे कोई भी बच्चा नहीं है, और एक दो बार गए हैं, पति से डिवोर्स हो गया है, और हम अपने घर रहते हैं दोस्तों। उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसे पता नहीं चलता कि दिल्ली कब आ जाता है, इतने एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं कि लड़का जो होता है वो अपने जम्मू के लिए चला जाता है, लड़की दिल्ली पर उतरती है, और गुड बाय एक दूसरे को बोलते हैं, लड़की अपने घर नोएडा पहुंच जाती है दोस्तों। दोस्तों नोएडा जाने के बाद लड़की उसके लिए अपने रूम से फोन करती है, पूछती है आप पहुंच चुके। तब वो कहता है हाँ रीमा मैं पहुंच चुका हूँ, आप बताइए, अपना ख्याल रखिए, आप पहुंच चुकी। बोले मैं तो कब की पहुंच चुकी। पहुंचने के बाद इन लोगों में बातें होने लगती हैं दोस्तों। बातें होते होते 6 महीना हो जाते हैं। एक दिन जो अरविंद होता है वो रीमा से कहता है कि रीमा अब तुम्हारे बगैर हमसे रुका नहीं जाता है, अब हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप मुझे कहाँ मिल सकती हो। एक रात हम और आप मिलकर के कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, आगे शायद है कि हमारा तुम्हारा साथ हो जाए। तो लड़की कहती है ठीक है, अगर आप मिलना चाहते हो तो हम भी इनकार नहीं करते हैं। बोले कहाँ मिलेंगे। बोले कानपुर एक होटल में मिलते हैं दोस्तों। कानपुर का वायदा हो जाता है, लड़की वहां से कानपुर ही पहुंच जाती है, और जो अरविंद होता है छुट्टी लेकर घर वालों को नहीं बताता है, 2 महीने की छुट्टी आया था, सीधा कानपुर पहुंचता है एक होटल में जहां रीमा इंतजार कर रही थी। 10 बजे का वायदा था, 11 बज जाते हैं, तब वो अरविंद कहीं उस होटल में पहुंचता है दोस्तों। होटल में पहुंचने के बाद दोनों लोग क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं एक दूसरे को, इस प्रकार मानो इनका सब कुछ यहीं पर हो दोस्तों। इसके चलते कुछ ऐसा होता है कि जो रीमा होती है अरविंद को लेकर, उसकी बहन जो नखलऊ रहती थी अपनी बहन को बता रखा था, 8 दिन उसके घर पर रुकती है, और शारीरिक संबंध भी होते हैं, शारीरिक शोषण भी होता है, दोनों पति पत्नी के भाव से रहने लगते हैं। यहाँ तक होता है कि इन लोगों में जीने मरने तक की दोनों ही कसम खा लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कहानी और आगे तूर पकड़ती है, अरविंद जो होता है अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद फिर 15 दिन जो बचे होते हैं उसमें आकर के और रीमा से कहता है चलो दिल्ली चलते हैं, वहां रहेंगे। तो वहां जाता है, एक 15 दिन के लिए किराए पर कमरा लेता है, और रीमा के साथ वहां 15 दिन बिताता है। उसके घर वालों को भी मालूम पड़ जाता है, रीमा के घर वालों को सारी बात मालूम पड़ी थी कि ये एक जवान से बात करती है, उससे साथ रिलेशन में आ चुकी है, और इन्होंने कमरे के ही अंदर एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत करके शादी कर चुके थे दोस्तों। इसके बाद में शारीरिक शोषण भी होता है, उस लड़की को राजी बाजी से एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के और एक दूसरे को अच्छी तरीका से भांपते हैं, जीने मरने तक किस्में खाते हैं। उसके बाद में अरविंद जो होता है रीमा को मांग में सिंदूर भरता है, और उसे अपना सब कुछ आहार करता है, और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, और उसे मंगल सूत्र पहनाता है। उसके बाद में रीमा को लेकर अपने घर आ जाता है, तब तक घर वालों को नहीं मालूम पड़ता है दोस्तों। जब घर वालों को मालूम पड़ता है तो वहां कुछ और ही होने लगता है। 4-6 दिन घर पे रुकते हैं, रुकने के बाद दोस्तों होता ही है कि वो तलाकशुदा महिला थी, तब तक अरविंद की शादी में 20 लाख रुपए मिलने लगा था। तो अरविंद जो होता है कि रीमा को अधपर छोड़ देता है, छोड़ने के बाद और वो वहां से चला जाता है। अब रीमा इधर उधर भटकने लगती है, उसका कोई नहीं होता, क्योंकि अब वो दर बदर की हो चुकी है। इधर
जब रीमा परेशान हो जाती है तो वो पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज कराती है। दर्ज कराने के बाद उसका एड्रेस लेती है, पुलिस उसके घर तक पहुंचती है, मीडिया वाले घर तक पहुंचते हैं। तब अरविंद मुकर जाता है कि मैं इसे नहीं जानती, मैं इसे नहीं पहचानती। तभी रीमा भी साथ होती है, सारा बयान करती है, सारे फोटो दिखाती है, जो मोहब्बत प्यार हुआ था। तब अरविंद के होश उड़ जाते हैं, जो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने अगर किसी की इज्जत से इस प्रकार खिलवाड़ की है तो इसे अपनाइएगा। दोस्तों, इधर अरविंद जो होता है स्वीकार कर लेता है, पुलिस चली जाती है। लेकिन उसके बाद अरविंद जो चाल करता है, उस लड़की को अपने साथ जम्मू लेकर के जा रहा था और उसे किसी बहाने से रास्ता में छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो जम्मू चला जाता है। लेकिन रीमा जो होती है उसका पीछा करते हुए और उसकी बटालियन तक पहुंच जाती है। जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सबके सामने वो बात परोसती है, तो उसे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद दोस्तों उसे ये मुकम्मल किया जाता है, तुमने अगर इससे मोहब्बत की है, इससे प्यार किया है, तो तुम्हें इसे अपनाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में फिर भी वो लड़का उसे अधपर में छोड़ देता है और वो बेचारी दर बदर ठोकरें खाने लगती है। वहीं रह करके जब लोगों ने सोचा कि अभी इस प्रकार से नहीं होगा, तब उसे एक चाय का खोका रखवा देते हैं और वो चाय बेचने का काम करना शुरू करती है। अरविंद जब इधर उधर भटकता रहता है, उधर उसके गांव में पता चला कि ये लड़की से शादी कर ली है, तो जो शादी थी वो भी टूट जाती है। 4 साल हो जाते हैं उसकी शादी के लिए, कोई एग्री नहीं होता है। तभी वो अरविंद फिर रीमा को खोजने लगता है। खोजते खोजते जो उसका जहाँ रह रहा था वहाँ एक पुराना मित्र था, उससे पूछा अगर तुमने कहीं रीमा को देखा हो तो मुझे बताइए। तब वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो यहाँ चाय का काम करती है, जो तुम्हारे साथ आई थी। तो अरविंद वहीं पहुंचता है। पहुंचने के बाद रीमा से हाथ जोड़कर विनती करता है और कहता है कि हमसे भूल बन गई, जो हमने तुम्हें ठुकराया था और अनजाने में जो हुआ है वो क्षमा कीजिए, अब हमें माफ कर दो, हम तुम्हें दोबारा बुलाने के लिए आए हैं। दोस्तों, इस प्रकार से सब लोग मिलकर के उसकी शादी समारोह कराते हैं और पार्टी का जश्न मनाते हैं और वो रीमा के साथ पुनः उसके साथ रहने लगता है। दोस्तों, ट्रेन की दोस्ती बहुत बड़ी महंगी पड़ गई और उसे बड़े हिसाब से ज़िंदगी काटना पड़ा और उस लड़की के साथ मोहब्बत का इजहार करना पड़ा और उससे विवाह करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों लोग ऐसा करते हैं कि एक मिल गई तो दूसरी छोड़ दी, तीसरी लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब कोई अच्छी खासी पल्ले पड़ जाती है तो ज़िंदगी नरक करके रख देती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।